So, स्वागत तो ती ते तो तो ते है स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट की ए पेंडुलम क्लॉक फिटेड स्मॉल हैवी बॉब दैट इज कनेक्टेड अ मेटल रॉड इज थ्री सेकेंड्स फास्ट ईच डे एट टेम्परेचर ऑफ पंद्रह डिग्री सेल्सियस एंड टू सेकेंड स्लो एट टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट शोज द करेक्ट टाइम देखो पहले फॉर्मूला समझो जैसे जो भी चेंज इन टाइम uh, पीरियड होता है ना वो इक्वल टू होता है हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा यहाँ पर जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टाइम पीरियड है ठीक है अल्फा यहाँ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है टी यहाँ पे टाइम पीरियड है टोटल टाइम है टी यहाँ पे टोटल टाइम है डेल्टा थीटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है तो होता क्या है पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं फॉर्मूला ये है इसी से बनाएंगे अगर डायरेक्ट देखना है कैसे बनेगा तो आगे फॉरवर्ड कर लो क्योंकि हम पूरा फार्मूला कैसा है वो भी बताने जा रहे हैं जैसे मान लो कि एक पेंडुलम है उस मेटल रॉड से वो लगा हुआ है इसका लेंथ अभी एल नॉट है अगर टेम्परेचर मान लो कि चेंज हो गया डेल्टा थीटा टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया तो इसका जो टेम लेंथ है वो बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा और लेंथ बढ़ के कितना हो जाएगा एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा यही होता है फार्मूला तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड जो होता है वो टू पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है ना भाई है तो टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है ना पहले जैसे मान लो कि टेम्परेचर मतलब टाइम पीरियड वन था अब जो टाइम पीरियड होगा वो चेंज हो गया क्योंकि यहाँ लेंथ के जगह पे अब एल लिखना पड़ेगा आ रहा समझ में तो ये जो एल है ये क्या है एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा बाई जी ठीक है तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे तो वन टी वन बाई टी टू या टू टी टू बाई टी वन करो टी टू बाई टी वन तो टू पाई बाई जी खत्म टू पाई बाई रूट जी खत्म यहाँ बचेगा एल नॉट वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा और यहाँ बचेगा एल नॉट और एल नॉट एल नॉट कट जाएगा तो ये बचेगा टी टू बाई टी वन इक्व टू वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा का पावर में वन बाई टू अब ये बाइनोमियल थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है जो जानना बहुत ज़रूरी नहीं है वो वन बाई टू बीच में आ जाता है पावर वाला ठीक है तो यहाँ से फिर टी टू बाई टी वन माइनस वन इक्वस टू वन बाई टू अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा ठीक है अब ये टी टू माइनस टी वन हो गया कहाँ लिखे कहाँ लिखे यहाँ लिखते टी टू माइनस टी वन हो गया बाई टी वन हो गया इक्व टू वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटर देखो टी टू माइनस टी वन क्या होगा चेंज इन टाइम पीरियड टी वन क्या होगा इनिशियल टाइम ये सॉरी टोटल टाइम जो लगता था वन बाई टू अल्फ़ा डेल्टा थीटर यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा वन बाई टू इंटू अल्फ़ा इंटू टी इंटू डेल्टा थीटर यही फार्मूला है जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो अदरवाइज हम इसको बताने जा रहे हैं तो चलो देखो क्या फॉर्मूला होगा डेल्टा टी इक्वल्स टू वन बाई टू अल्फ़ा टी इन टू डेल्टा थीटा पहला केस देखो फर्स्ट केस फर्स्ट केस में हमारा जो चेंज इन टाइम है वो कितना है तीन सेकेंड फास्ट हो गया तीन सेकेंड फास्ट हो गया मतलब टाइम पीरियड बढ़ा या घटा कोई फास्ट हो गया मतलब जल्दी काम करने लगा ना तो टाइम पीरियड घट गया है टाइम पीरियड कैसे घटेगा जब लेंथ घटेगा तो मान लो कि थीटा एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें मेरे को करेक्ट रीडिंग मिल रहा है ठीक है अगर थीटा से टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लो हो जाएगा थीटा से टेम्परेचर घटेगा तो फास्ट हो जाएगा टेम्परेचर घटना ठंडा होना मतलब लेंथ सिकुड़ना जिससे टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ना मतलब लेंथ का बढ़ना जिससे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसीलिए स्लो हो जाएगा और थीटा से टेम्परेचर घटने पे फास्ट हो जाएगा ठीक है कितना फास्ट हो गया तीन सेकेंड कितना में एक दिन में पूरे एक दिन का मतलब होता है चौबीस घंटे में ये कितना स्लो uh, हो गया दो सेकेंड कितने में तो चौबीस घंटे में एक दिन में टेम्परेचर घट गया थीटा से कितना पंद्रह डिग्री बढ़ गया थीटा से कितना थर्टी डिग्री तो दो केस बन रहे तो फर्स्ट केस में लिखेंगे हम लोग डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर तीन सेकेंड वन बाई टू अल्फा कितने देर में चौबीस घंटे में और कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो थीटा माइनस पंद्रह डिग्री सेकेंड केस में लिखेंगे सेकेंड केस में सेकेंड केस में जब लिखेंगे तो उसमें हमारा चेंज इन टाइम कितना हुआ दो का वन बाई टू अल्फा कितने देर में चौबीस घंटे में क्या चेंज इन टेम्परेचर हुआ थर्टी माइनस थीटा क्योंकि थर्टी अधिक है अब दोनों डिवाइड करेंगे तो थ्री बाई टू इक्वल टू वन बाई टू अल्फा चौबीस कटिया ऊपर बचा थीटा माइनस पंद्रह नीचे बचा तीस माइनस पाँच थीटा तीस इन नौ तीन तीन नौ नब्बे थ्री थीटा टू थीटा तीस नब्बे तीस एक सौ बीस और तीन और दो पाँच तो फाइव थीटा बराबर एक सौ बीस मतलब कि थीटा बराबर हो जाएगा चौबीस चौबीस डिग्री तो चौबीस डिग्री तो पे हम लोग को करेक्ट रीडिंग मिलेगा पंद्रह डिग्री अगर टेम्परेचर होगा तो वो फास्ट हो जाएगा तीन सेकेंड और अगर टेम्परेचर तीस डिग्री होगा तो वो स्लो हो जाएगा दो सेकंड ठीक है एक दिन में तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग